मुझे नहीं पता मैं मम्मी के लिए क्या कर पाऊंगी. मैं कुछ भी करूंगी वो कम ही होगा. मैं चाहती हूँ कि किसी जन्म में मेरी मम्मी मेरी बेटी हो और मैं उनकी मम्मी हूँ. हो सके तो बाहर ले जाऊंगी या उनसे पूछूंगी कि वो क्या चाहते हैं. मुझे नहीं पता मैं मम्मी के लिए क्या कर पाऊंगी. मैं कुछ भी करूंगी वो कम ही होगा. और कुछ भी खरीद कर दे दिया या कुछ कर भी दिया तो भी मैं वो नहीं कर पाऊंगी जो मम्मी ने आज अभी तक मेरे लिए कर रही है. तो पता नहीं, शायद हो सके तो बाहर ले जाऊंगी या उनसे पूछूंगी कि वो क्या चाहती हैं, उन्हें किस चीज़ में आराम मिलेगा या वो क्या किस चीज़ में खुशी मिलेगी. या तो कहीं अपने बहनों से मिलने में, भाइयों से मिलने में, या फिर क्या पता उन्हें कुछ शूज चाहिए हो, वॉकिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने. आई डोंट नो. अच्छा लगता है पेरेंट्स दोनों हेल्दी हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वॉक कर रहे हैं. एज के साथ ज़रूरी है. नहीं नहीं डाइट की उनको कोई ज़रूरत नहीं है. मैं खुद अगर एक्टर नहीं होती और मुझे एक शेप में नहीं रहना पड़ता तो मैं खुद अच्छे से मस्त रह. मैं अभी भी काफ़ी कुछ खाती हूँ बट कोशिश करती हूँ कि मतलब, क्योंकि कैमरे पे आप थोड़े ज़्यादा लगते हो ऐसा है. बट खैर, मेरी एक विश है भगवान जी से, मदर्स डे के लिए नहीं बट ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि किसी जन्म में मेरी मम्मी मेरी बेटी हो और मैं उनकी मम्मी हूँ. ताकि मैं वो जो वो कर करती हैं अभी तक, शायद मैं उनको एहसास दिला पाऊँ या वो चीज़ वापस दे सकूँ, क्योंकि वही एक जरिया है आपकी बोली में. उसमें इमोशन दिख रहा था. लेकिन हाँ अगर मैं बात की जो आपकी मॉम है, ऐसी कौन सी बात है जिससे वो गुस्सा हो जाती है आपकी, ऐसी कौन सी बात है? मुझे लगता है किसी भी चीज़ से नहीं. शायद अगर किसी चीज़ से गुस्सा होती है तो वो है कि मैं सोती कम हूँ, बाहर ज़्यादा घूमने की आदत. अब आप लोग जानते हैं मैं काम बहुत ज़्यादा, मतलब काम होता ही है टीवी में, यूजुअल है. ऐसा नहीं है कि मैं ही करती हूँ, सब करते हैं. लेकिन उसके बाद भी मैं घुमक्कड़ हूँ. वो क्या है कि वो अगर मैं नहीं करूँगी ना तो मैं रिचार्ज नहीं कर पाती हूँ. तो हाँ, तो मैं खुद नींद थोड़ी कम लेके थोड़ा कुछ, कभी चली गई, कभी कुछ मूवी देख ली, कभी ये कर लिया वो कर लिया, स्लीप से कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ. तो उस चीज़ पे उनको लगता है तुम्हारी हेल्थ पे आ रही है, हेल्थ पे आ रही है. उस चीज़ पे गुस्सा होती है और किसी चीज़ पे नहीं. मैं सच में कसम से बताऊँ तो कुछ मनाती नहीं. मेरी मम्मी बेस्ट मम्मी है, वो उनको कुछ नहीं, हर चीज़ हर सिचुएशन समझते हैं. और वो अपने आप ही बस वो नाराज़गी जाहिर करती है, बाकी और कुछ नहीं. ऐसे नाराज़ भी नहीं होती कि मनाना पड़े, ऐसे तो कोई सॉन्ग नहीं है. बट मैं सोचूंगी इस बारे में, मैं बिकॉज इट्स अ वेरी डीप थॉट. मैं चाहती हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग हो जो मैं उनके लिए रखूँ. यू नो मेरी मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी और मतलब काफ़ी काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो अपने घर से दूर रहते हैं. मैं खुश नसीब हूँ कि मैं यहीं की हूँ तो मैं मम्मी पापा के साथ रहती हूँ. तो मैं हम लोग ऐसी मम्मी और पापा इन लोगों के बारे में ऐसी बात कर रहे थे. तो मैंने कहा कि जो मम्मी और बच्चे का प्यार होता है ना, वो एक तरफा होता है. तो उसने बोला कैसे? तो मैंने बोला एक बच्चा हमेशा, मैं भी आज आज भी ऐसा है कि मैं बोल सकती हूँ कि मुझे हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे पीठ में दर्द हो रहा है, और मम्मी दबाने लगेंगी. मम्मी आज तक नहीं बोलती, ना ही किसी की मम्मियाँ बोलती हैं मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है. इतना सेल्फलेस और एक तरफा है ना. तो मम्मियाँ जो है ना, वो सारा आपका और हर फैमिली का, अपने पति का, अपने मायके का, हर चीज़ का एक लेकर चलती हैं. तो हम अगर उनकी लाइफ को आसान बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं तो, और आई थिंक सबके सारे माँ बाप के लिए सबसे बड़ा गर्व यही होता है कि उन्होंने जो इतनी ज़िंदगी दी है आपको, बच्चों को बड़ा करने में, आप अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ अच्छा करें. मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप ये चाहते कि आप बहुत ज़्यादा पैसे का, बट ठीक ठाक रहो, समाज के लायक बनो, थोड़े अच्छे बनो, अच्छे इंसान बनो, काबिल बनो, कोई लत में मत पड़ो. तो ये सब बहुत छोटी चीज़ है, खुश रहो, यही सब पेरेंट्स चाहते हैं. तो उन्होंने जो 18-20 साल आपको पाला है, कई सारे लोग तो 25-25 साल तक नौकरी नहीं कर पाते या स्टडी कर रहे होते, तो मम्मी पापा तब तक ध्यान रखते हैं. तो प्लीज़ उसको बहुत सीरियसली लें और प्लीज़ गिव बैक टू योर पेरेंट्स.
नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो मैं उनसे साथ में नहीं कह सकती, बट मैं जरूर उन्हें बाहर ले जाना चाहूंगी, होपफुली आई गेट दैट। एक लास्ट क्वेश्चन, आप इतने साल, अभी तक आपको साल हो गया है इस इंडस्ट्री में आए हुए, पर एक एक्टर है रिसेंटली उनका एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे उन्होंने एक शो किया था जो प्रोड्यूसर ने हैरेसमेंट किया था, तो ऐसी चीजें जब आप सुनते हैं एज एन एक्टर क्या फील करते हैं, या फिर आपके साथ कभी आपने किसी ऐसा सुना है? मैंने ऑनेस्टली सुना है इस चीज़ के बारे में, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि वो पूरा मुद्दा क्या है, और जब तक मैं पूरा मुद्दा नहीं जानती मैं कुछ कहना गलत समझती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर कहानी सिर्फ वही लोग जानते हैं जो उस कहानी के पात्र होते हैं, सिर्फ वही कहानी को बेहतरीन जानते हैं, और मुझे लगता है इसीलिए कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, कम्फर्टेबल हूँ, मेरा कुछ भी इस पर कहना पता नहीं कितना सही या गलत होगा। थैंक यू।